आज की पानीपत में यमुना पार स्कूल स्वामी विवेकानंद की प्रधानाचार्य रितु छावड़ा की विद्यालय में छात्र द्वारा निर्मम हत्या किए जाने को लेकर विद्यालय के स्टाफ मर्माहत है। इस घटना से विचलित हुए शिक्षक स्टाफ जिला मुख्यालय स्थित सरयू पांडे पार्क में सायंकाल कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टाफ ने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। मैं नवीन सिंह, डायरेक्टर सनबीम स्कूल गाजी। कैंडल मार्च जो पानीपत में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल को एक छात्र ने उनके केबिन में घुस के 5 गोलियां मारी और वो मर गई, ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। और सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोग जो अपने लिए नहीं कुछ करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं सारी चीजें, तो हम लोगों के बारे में भी सोचे और हम लोगों की सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से सोचे। आई एम ज्योति शर्मा, कोऑर्डिनेटर ऑफ सनबीम स्कूल गाजीपुर 6th। आज आप लोग ज्योति जी जो है आप लोग कैंडल वोट कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या है प्रॉब्लम? वी आर हाईली हर्ट बाय द एक्शन टेकन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। ही सिंपली शॉट द प्रिंसिपल डेड। तो बाय दिस वी आर शोइंग आवर सिंपैथी फॉर द प्रिंसिपल एंड वी जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ही शुड टेक सर्टेन स्टेप्स सो दैट द लाइफ ऑफ टीचर्स शुड बी सेफ एंड सिक्योर।